आजा मैक्सिको चलिए, छल्ला मुड़ के नहीं आया जी, क्योंकि उन सभी मूवीज में बात की है डोंकी की। हम पंजाबी, हमको पता है क्योंकि पंजाब के लोग ज़्यादा ये रिस्क ले रहे हैं जी, डोंकी लगा के आ रहे हैं। वो लोग ऑलरेडी पुर्तगाल में अभी रह रहे हैं जी, जिनको यहाँ पे आए हुए एक साल या दो साल हो चुके हैं, जिनको रेजिडेंसी नहीं मिली है। ये प्रोविज़न बनाया था कि 2007 और 2008 में स्किल शॉर्टेज चल रही थी यहाँ पे, रिसेशन चल रहा था यहाँ पे, तो गवर्नमेंट को चाहिए थे इमिग्रेंट्स इन्वेस्टर्स। तो इसके अंदर में अगर आप इसमें अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो इतना समय नहीं लगता इसमें, मात्र अब तक जो हमने रिजल्ट्स लिए हैं 3 से 4 महीने में हमारे जो कार्ड्स अप्रूव हुए हैं, अगर किसी भी एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी बनती और हमने उसको प्रोसीड किया इसमें 3 से 4 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगा। लेकिन आपने तो 12 महीने का समय बहुत बता दिया, क्योंकि आपके माइंड के अंदर लगता है ऐसा बैठा वो 88-89 वाली बात। इसको देखकर हम आपकी इन्फॉर्मेशन से हम इंस्पायर हो गए सर। पंजाबी बंदे जी जी, हिंदी बोलने में कह रहे हिंदी चटी हट जाने। पुर्तगाल आने से पहले मैंने थोड़ा सर्च किया था इसके बारे में, तो काफ़ी लोगों से और इंटरनेट पे भी देखा था आर्टिकल 88 और 89, और ज़्यादातर लोग यहाँ पर यही दो आर्टिकल हैं इनकी ही बात करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये आर्टिकल 88 और 89 क्या है। ये आर्टिकल 89-88 वो प्रोविज़न है, पोर्टुगीज़ इमिग्रेशन अथॉरिटी ने 2007 में ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए थे तमाम उन लोगों के लिए जो पुर्तगाल में आ जाते थे, चाहे वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए या विजिटिंग पर्पज़ के लिए या टूरिज़म पर्पज़ के लिए, अगर उनको यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक्सेप्शनल रीज़न में वो यहाँ पे गेट एन रीसेटलमेंट को, वो अपने बिजनेस को मूव ऑन करने के लिए या अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, उनके लिए ये प्रोविज़न बनाया था। और तमाम उन कंट्रियों के लोग इसलिए भी ये प्रोविज़न बनाया था कि 2007 और 2008 में स्किल शॉर्टेज चल रही थी यहाँ पे, रिसेशन चल रहा था यहाँ पे, तो गवर्नमेंट को चाहिए थे इमिग्रेंट्स इन्वेस्टर्स। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड उन्होंने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था। कोई भी हमारी कंट्री में आए, इधर वो किसी दूसरे वीज़ा पे आ रहा है, टूरिज्म वीज़ा पे आ रहा है या विजिटिंग वीज़ा पे आ रहा है, और आके यहाँ पे वो कंटिन्यू अगर अपॉर्चुनिटीज़ मूव ऑन करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, तो गवर्नमेंट उनके लिए वेलकम, एक डोर ओपन किए थे उन्होंने। सो दिस इज़ द रीज़न कि वो आज तक प्रोविज़न चल ही रहा है 288 आर्टिकल 89 आर्टिकल के, अगर आपके पास में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो अपनी फाइल सबमिट करके आप रेजिडेंस कार्ड अवेल कर सकते हैं। 89 के अंदर में अगर आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो या कोई बिजनेस करना चाहते हो तो टूरिज़्म पे आए हो तो अपना वीज़ा जो है स्विच कर सकते हो, यानी कि चेंज कर सकते हो। तो ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए गवर्नमेंट की ओर से इंट्रोड्यूस किए थे 2007 के अंदर। सर जो 88 आर्टिकल और 89 आर्टिकल है, तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने भी इस आर्टिकल में फाइल लो करवाई थी आज से तकरीबन 2 साल पहले, यानी कि कोरोना से पहले, तो उनको जो रेजिडेंसी कार्ड है वो 10 महीने में या 12 महीने में मिल गया था, और मुझे भी यहाँ पे आए हुए तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका है और अभी तक मेरा वो प्रोसेसिंग में ही चल रहा है, और मुझे कोई ऐसा अभी लग नहीं रहा कि जल्दी से मुझे कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि कोरोना के बाद काफ़ी सिस्टम है जो इनका स्लो हो चुका है, मेरा ऐसा मानना है, और दूसरे लोगों को भी पता ही होगा शायद इसके बारे में। 88 और 89 आर्टिकल है जो, उसको अभी मुझे लगता है कि 2.5 से 3 साल लग रहे हैं जी अपना रेजिडेंसी कार्ड हासिल करने में, तो मुझे नहीं लगता सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके पास इतना ज़्यादा पेशेंस होगा कि वो 2.5 से 3 साल वेट कर सकें। तो क्या सर कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम 88 और 89 आर्टिकल को छोड़कर कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम अपनी जो रेजिडेंसी है वो जल्दी हासिल कर सकें? पुर्तगाल के अंदर में 68 इमिग्रेशन के आर्टिकल हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्डली जिनको सेफ ट्रीट करती है, इसके अलावा नेशनलिटी के आर्टिकल्स भी हैं, वीज़ाज़ के आर्टिकल भी हैं, वो इंटायरली डिफरेंट है, लेकिन जो 68 स्टेट फॉरवर्डली इमिग्रेशन के आर्टिकल्स हैं, लेकिन मार्केट के बीच में रिमर क्या है या लोगों को जो अवेयरनेस क्या है, वो मात्र 2 ही आर्टिकल के बारे में जानकारी ऑलवेज देते हुए चैनल्स पे, यूट्यूब पे, गूगल पे मिलेंगे। इससे पहले जब हमने कुछ वीडियोज़ पब्लिकेशन की थी 2018 में, 19 में, 20 में, नए आर्टिकल्स के बारे में, इससे पहले कि अगर आप वीडियो उठा के देखें, किसी की भी ऐसी वीडियोज़ नहीं मिलेंगी आपको या इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि और आर्टिकल के बारे में बात करें। इसके अलावा आर्टिकल 116 है जिसके तहत रेजिडेंसी कार्ड जो है क्विकर एंड फास्टर मिल जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 90 है जिसके बीच में आप क्विकर एंड फास्टर रेजिडेंस कार्ड अवेल कर सकते हैं। आर्टिकल 89 है उसके बीच कर सकते हैं। 91 है, 92 है, इसके बीच अवेल कर सकते हैं। सेवरल बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके बीच में आपको बहुत सा जो समय है
वो ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि अगर आपने आर्टिकल 88 में या 89 में फाइल सबमिट कर दी हुई है लेकिन आप दूसरी कैटेगरी में एलिजिबल हो, आपके पास में क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है, तो आप स्विच कर सकते हैं, आप मूव ऑन कर सकते हैं, आपको वहीं पर स्टक करने की या वेट करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे भी प्रोविज़न जो है अवेलेबल हैं पुर्तगाल के अंदर में रेजिडेंस कार्ड लेने के लिए, फास्टर एंड क्विकर वे से अवेल करने के लिए, क्योंकि मार्केट के बीच में क्या होता है कि जहाँ तक जिसको नॉलेज है वो उतनी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता है। अब आपकी स्टडी क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, अगर आपके पास में डीपर और डीपर एक्सपीरियंस है, जैसे आप अभी सर्च कर रहे हैं, अभी आप मेरे पास आए हैं, सर्च करने के बाद आपको कुछ चीज़ें पता चली और आप इस तरह के मेरे से सवाल कर रहे हैं कि जैसे आपको मालूम हो कि और भी बहुत से प्रोविजन और आर्टिकल्स हैं, सो डेफिनेटली अगर ऐसी अवेयरनेस आप जैसे लोग, आप जैसे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएं, तो मैं समझता हूं कि इसका बखूबी जो एडवांटेज लोगों को हो सकता है, बेनिफिट जो लोगों को हो सकता है, जो अदर आर्टिकल्स हैं उनके अंदर में रेजिडेंस कार्ड जो है फास्ट वे में, क्विकर वे में पुर्तगाल का हासिल किया जा सकता है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग ऑलरेडी पुर्तगाल में अभी रह रहे हैं, जिनको यहाँ पे आए हुए एक साल या दो साल हो चुके हैं, जिनको रेजिडेंसी नहीं मिली है, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री की हुई है, लेकिन वो भी अपना 88 और 89 में ही अपनी फाइल लॉक करवा कर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं दो साल ढाई साल की कब उनको रेजिडेंसी मिलेगा, तो उनके लिए आप क्या सुजेस्ट करते हैं? मैं ये सुजेस्ट करूँगा उनके लिए कि अगर आप क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास में और आपके पास में सब्सटेंशियल टैलेंट है कि आपको कोई पोर्टुगीज कंपनी या आप खुद बिजनेस का आइडिया या बिजनेस का व्यू रखते हैं कि आपकी कैपेसिटी है कि आप अपना बिजनेस करके इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो आप अपनी एप्लीकेशन को आर्टिकल 90 में प्रोसीड करें, जिससे आप ट्रीटमेंट आपको एज एन हाईली स्किल्ड की मिलेगी। जैसे कि यूरोपियन ब्लू कार्ड है जिसको हम ईयू ब्लू कार्ड बोलते हैं, वो पूरे यूरोप में ब्लू कार्ड अपनी अपनी कंट्री सभी कंट्रीज ऑपरेट करती हैं उसको, तो यूरोपियन यूनियन का वो है। यहाँ पुर्तगाल के अंदर में भी यूरोपियन या पोर्टुगीज ब्लू कार्ड है हाईली स्किल्ड जो लोग होते हैं उनके लिए, जैसे आपने बताया कि क्वालिफाइड लोग हैं, टैलेंट लोग हैं और एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, तो वो तमाम लोग आर्टिकल 90 में अपने आप को प्रोसीड कर सकते हैं, और 88 या 89 में उन्होंने प्रोसीड कर दिया विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट अवेयरनेस इसलिए, लेकिन आज अगर आप जैसे चैनल उनको अवेयरनेस देंगे तो मैं समझता हूँ कि उनका जो समय है, जो कीमती समय है, वो बच सकता है अगर वो अपने आप को आर्टिकल 90 में प्रोसीड करना चाहते हैं। आर्टिकल 19 के बारे में सर से मैंने इसलिए बात की क्योंकि मैं सर के पास आर्टिकल 19 में अभी काम कर रहा हूँ, मेरा केस भी इनके पास है और इन्होंने मुझे गाइड किया इसके बारे में, तो सर क्या आप इसमें थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीज़ हमें हमारे पास होनी चाहिए कि हम इस आर्टिकल में अपने को स्विच कर सकें? जी, डीपर एंड डीपर तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, मैं इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूँगा आपके चैनल के, क्योंकि आपका ज़्यादा समय जो मैं नहीं ख़राब करूँगा। नहीं नहीं सर क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट तीन मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको या एप्लीकेंट को कंप्लायंस करनी होती है मैंडेटरी, एक तो है कि जो आपकी सैलरी है वो सैलरी बेसिक से डेढ़ गुना ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि बेसिक 705 सैलरी है पुर्तगाल में, लेकिन आर्टिकल 90 में अगर आपने स्विच करना है तो आपकी सैलरी इनकम आपको डिफाइन करनी होगी मिनिमम ग्रुप ए के अंदर 1752 यूरो और ग्रुप बी के अंदर, क्योंकि उसमें ग्रुप दो हैं आर्टिकल 90 में, ग्रुप ए में जो CEO होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो मेन होते हैं हाई पोजीशंस पे, उनको कंसीडर करते हैं ग्रुप में, उनको 1752 सैलरी होनी चाहिए। ग्रुप बी के अंदर में जो असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट्स देते हैं जो सबॉर्डिनेटर ऑफिसर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इस तरह के लोगों को हम ग्रुप बी के कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, तो उनकी 1350 जो सैलरी है होनी चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है। और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास में सफिशेंट एक्सपीरियंस और एजुकेशन, दोनों में से कोई एक चीज़ तो मैंडेटरी चाहिए, या तो आपके पास में जो आप काम करने वाले हो, जिसके साथ भी आप जॉब कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो, उसके प्रति उस फील्ड के अंदर में आपका डीपर एक्सपीरियंस है, या फिर आपके पास में क्वालिफिकेशन, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करो उसमें आप डेजिग्नेशन हाई हो, ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर क्लर्क लगे हुए हो या उसके अंदर PN लगे हुए हो या उसकी आप एग्रीकल्चर में एज ए वर्कर काम कर रहे हो, इट इज़ नॉट, या कुक लगे हुए, नो, आप हेड पोजीशन पे होने चाहिए, यानी कि टॉप पोजीशन पे, मैनेजमेंट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे, या फिर हेड जिसको बोलते हैं उस लेवल पे, या फिर असिस्टेंट ऑफ हेड, कोई हेड है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको आप असिस्ट करते हो, उसको आप कंसल्टेशन देते हो, एडवाइस देते हो, ये तीसरी रिक्वायरमेंट है। तो ये तीन अगर रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करते हो तो स्ट्रेट फॉरवर्डली आप अपने आप को स्विच कर सकते हो। तो सर इस आर्टिकल में एक साल के अंदर अंदर मुझे कार्ड मिल जाएगा?
जी, ये तो आपने बहुत सा लंबा समय बता दिया इसके अंदर में। अगर आप इसमें अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो इतना समय नहीं लगता इसमें। मात्र अब तक जो हमने रिजल्ट्स लिए हैं 3 से 4 महीने में हमारे जो कार्ड्स अप्रूव हुए हैं, अगर किसी भी एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी बनती है और हमने उसको प्रोसीड किया, इसमें 3 से 4 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगा। लेकिन आपने तो 12 मंथ का समय बहुत बता दिया, क्योंकि आपके माइंड के अंदर लगता है ऐसा बैठा हुआ 88-89 वाली बात। क्योंकि सर अभी सितंबर का मिड चल रहा है, आधा सितंबर जा चुका है जी, और तो इस हिसाब से मुझे दिसंबर में कार्ड मिल जाएगा जी। मैं ये नहीं कहता कि दिसंबर में कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि इट इज़ डिपेंड ऑन सिचुएशन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट विद द सेफ। अगर सेफ के पास में आर्टिकल 90 के अंदर में क्विक अपॉइंटमेंट्स है तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ ही आपको वो इनवाइट कर लें। अगर उनके पास अपॉइंटमेंट जनवरी फरवरी की है तो वो जनवरी फरवरी में इनवाइट करेंगे। तो मोर ओवर जब भी हम इस चीज़ में, हमारी प्रैक्टिस जो है सेफ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ, कि जब भी हम किसी की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, इधर वो फैमिली रीयूनिफिकेशन हो, इधर वो 90 आर्टिकल हो, इधर वो 116 हो, इधर वो 91 और 92 हो, या कोई और तमाम 15 आर्टिकल हो जो यूरोपियन यूनियन वाले लोगों के लिए, तो इन तमाम आर्टिकल्स के अंदर में जब भी हम अपॉइंटमेंट की बुकिंग करते हैं तो वो मोर और लेस हमें 4 मंथ की वेटिंग पीरियड देते हैं। 4 मंथ के बाद हमें अपॉइंटमेंट ग्रांट हो जाती है। तो अगर आप एग्जांपल कर रहे हो, आप सितंबर में खड़े हो, तो आप जनवरी में अपने बायोमेट्रिक कर सकते हो कि अगर आपको जनवरी की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, और लास्टली फेब की हो सकती है कि अगर आप आज ट्राई करते हो अपॉइंटमेंट बुक करने की, फेब तक आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आर्टिकल 90 के अंदर। तो चलिए, वैसे सर मैं 1 साल का वेट कर चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं 6 महीने का और कर सकता हूँ, तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूँगा। ये तो थी बात 19 की, अगर मेरे पास अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं सिर्फ प्लस टू तक पढ़ा हूँ और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पर इजीली रेजिडेंसी है जो हासिल कर सकता हूँ? कोई ऐसा कोई आर्टिकल है या मैं यहाँ पर स्टडी कर सकता हूँ? तो सर थोड़ा इसके बारे में बताइए जी। बिल्कुल, और अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं एग्जाम्पल, या लंबा चौड़ा आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप क्वाइट यंग हैं, उस केस में आपके पास में अगर 10th या प्लस टू स्कूलिंग की हुई है जी, तो आप क्या कर सकते हो कि उस केस के अंदर में एज एन स्टूडेंट अपने आप को प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपका पढ़ने का मन है तो आप किसी भी पोर्टुगीज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो। एडमिशन लेने के बाद आप अपना 91 आर्टिकल में, 92 आर्टिकल में एज एन स्टूडेंट प्रोसीड कर सकते हो। रेजिडेंस कार्ड जो कि मैक्सिमम 3 से 4 माह के अंदर में वो भी मिल जाती है आपको रेजिडेंसी, तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। कि आप अगर आप चाहते हो कि मैं फ्रीक्वेंटली मूवमेंट्स कर सकूं अपनी कंट्री में, आ जा सकूं, तो उनके लिए ज़बरदस्त एडवांटेज है कि अपनी एडमिशन लें, स्टडी भी करें, साथ में आना जाना भी करें अपना। तो सर इसी में एक मेरा पर्सनल सवाल है इसमें जी, कि अगर मैं स्टूडेंट में कन्वर्ट करता हूँ अपना, मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्टडी ले ली है, तो उसमें मुझे, उस केस में मुझे रेजिडेंसी कार्ड तो मिल जाएगा, तो क्या वो जो रेजिडेंसी कार्ड है वो कंटिन्यू रहेगा या फिर से मुझे स्विच होना पड़ेगा 88 और 89 में? नहीं, ये जो रेजिडेंसी कार्ड है स्टूडेंट का, तब तक आपका वैलिड है जब तक आप स्टडी कर रहे हो। अगर आपका कल स्टडी कर कंप्लीट हो जाती है, या स्टडी से मन हट जाता है कि अभी मुझे स्टडी नहीं करनी, तो उस कार्ड को आप जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, वही वाला कार्ड आपका एक्सचेंज हो जाएगा, नया कार्ड मिल जाएगा आपको वर्क वाला। क्योंकि ये स्टडी वाला कार्ड है, इसके ऊपर में स्पेसिफिक लिखा रहता है कि आप एज एन स्टूडेंट कार्ड लेके यहाँ पे रह रहे हो, तो कल जब आपने काम करना है तो आप इमिग्रेशन को, डिपार्टमेंट को बोलते हो कि अभी मेरे पास जॉब ऑफर है, मेरे को कार्ड एक्सचेंज करना है, तो आपको वो दूसरा कार्ड दे देंगे। ओके, तो आपका आर्टिकल डेफिनेटली चेंज होगा, 89 होगा या 88 होगा, 88 वो वाला 88 नहीं होगा, 88.2 वाला नहीं होगा, 88.1 वाला होगा फिर आपका। ओके, तो सर मुझे उसके लिए फिर दोबारा से वेट नहीं करने पड़ेगी, वही फाइल लॉक करवाओ, पेपर बनाओ, ये सब नहीं, उस झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। नहीं, आपको फाइल लॉक करने की जरूरत नहीं, वेट करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली अपॉइंटमेंट बुक करनी है सबके साथ में, और उसके बाद में अपॉइंटमेंट के साथ आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो आप कार्ड अपना एक्सचेंज कर लोगे, स्विच कर लोगे उसको। तो आई थिंक सर मुझे लगता है कि ये बेस्ट ऑफ द ऑप्शन है, कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो इस चीज़ में आकर अपना जल्दी रेजिडेंसी कार्ड जो वो ले सकते हैं। बिल्कुल, पॉसिबिलिटीज आ गया। तो मेरा ये एक पर्सनल क्वेश्चन था सर आपसे, क्योंकि चैनल पर काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा था जी, जो इनसाइड पुर्तगाल हैं वो क्या कर सकते हैं ऐसा? ये स्टूडेंट वाला प्रोविज़न उनके लिए है, और स्विच कर लेंगे, उनको जीरो से फिर से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, ये 91 और 92 के अंदर में ये फॉल करते हैं दोनों प्रोग्राम्स। आज की वीडियो का हमारा लास्ट और अहम टॉपिक जी, जिसके ऊपर पंजाबी इंडस्ट्री में काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं,
आजा मैक्सिको चलिए, छल्ला मुड़ के नहीं आया जी, क्योंकि उन सभी मूवीज में बात की है डोंकी की। हम पंजाबी, हमको पता है क्योंकि पंजाब के लोग ज़्यादा ये रिस्क ले रहे हैं जी, डोंकी लगा के आ रहे हैं, और इंडिया में और पंजाब में बैठे एजेंटों को 10-15 लाख देकर अपनी जान पे खेल कर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो लड़के हैं यूरोप में और पुर्तगाल में, मैं उनको मिल चुका हूँ। तो मैं उन लोगों की तरफ से आपसे सवाल करना चाहता हूँ जो लोग इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि हमारी एशियन कंट्री से ही ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं, वो कैसे जेन्युइन तरीके से और कम पैसों में पुर्तगाल या किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में आ सकते हैं जी। तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? तो मैं चाहूँगा कि आप अगर एजुकेटेड हैं तो तीन कैटेगरीज के लोग होते हैं जो हमेशा बाहर आना चाहते हैं, एक यंगस्टर्स, एक मिडिल एज वाले, एक ओल्ड एज। आज की डेट में हर कंट्री ने तीनों के लिए रास्ते ओपन हैं। अगर आप यंग हो तो एज एन स्टूडेंट आप अपने आप को प्रोसीड कर सकते हो, आप स्टूडेंट वीज़ा प्रोसीड करें। ऐसा नहीं है कि आप 40 ईयर एज होगी या 35 साल होगी तो आप स्टूडेंट नहीं कर सकते, स्टिल डोर्स आर ओपन, स्टडी के लिए आप किसी भी कंट्री में कभी भी जा सकते हो। अगर आप यंग कैटेगरी में आते हो, तीन कैटेगरी मैंने बताई, तो डेफिनेटली आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से स्टडी वीज़ा की एडवाइस लें, स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ। अगर 10 साल का गैप है तो भी इंटायर यूरोपियन, जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, इनको एक्सपीरियंस लोग चाहिए और इनको विद फैमिली लोग चाहिए, तो आप स्टूडेंट वीज़ा प्रोसीड करें यंगस्टर्स के लिए। मिडल एज, मिडल एज जो 50 साल 40 साल से ऊपर चले जाती है, 60 साल के दरमियान, वो लोगों के लिए क्या प्रोविजन्स है? पूरी वर्ल्ड के अंदर में सभी कंट्रीज़ ने डोर ओपन किए हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है पूरे यूरोप के अंदर में है, EB-5 वीज़ा USA ने ओपन किया हुआ है, कनाडा के अंदर सेवरल प्रोग्राम्स हैं। तो मिडिल एज वाले वर्ल्ड की किसी भी कोने के अंदर में अगर वो जाना चाहते हैं तो अपने आप को बिजनेस कैटेगरी में प्रोसीड कर सकते हैं, प्रोफेशनल स्किल्ड कैटेगरी में प्रोसीड कर सकते हैं। वहीं से अपनी होम कंट्री से अगर आप किसी भी कंपनी के साथ कम्युनिकेशंस करते हैं या किसी अच्छे ऑथेंटिकेट कंसल्टेंट के साथ डिस्कशंस करते हैं तो यू हैव सेवरल ऑप्शंस कि आप अपने आप को बिजनेस कैटेगरी में मूव कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी के लोग जो रिटायरी होते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, वर्ल्ड की सभी कंट्रियों ने रिटायरमेंट वीज़ा ओपन किया हुआ। अगर हम पुर्तगाल की ही बात कर लें, इन तीन सेगमेंट के लिए यंगस्टर स्टूडेंट कैटेगरी में अपने आप को प्रोसीड कर सकते हैं पुर्तगाल के अंदर में। ऑल यूनिवर्सिटीज़ आर वेलकमिंग टू यू, और नॉट ओनली पुर्तगाल, पूरे यूरोप में। इसके बाद में जो मिडिल एज वाले लोग हैं, D2 वीज़ा ओपन है। अगर आप D2 वीज़ा, अगर आप यहाँ कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो पुर्तगाल के अंदर में, उस कंपनी को ऑपरेट करते हो ऑथेंटिकेट पीपल के ज़रिए और अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड, या आप इंटरप्रेन्योरशिप वीज़ा जिसको स्टार्टअप वीज़ा बोलते हैं, D2 वीज़ा बोलते हैं, वो प्रोसीड कर सकते हैं आप। या उस कंपनी के साथ में आपके कोई सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप फ्रीलांसर रिमोट वर्कर वीज़ा, जिसको D7 कैटेगरी में, डिजिटल नोमैड, अगर किसी पोर्टुगीज कंपनी का, यूरोपियन कंपनी को या अमेरिकन कंपनी को आप डिजिटल सर्विसेज दे रहे हो तो D7 वीज़ा प्रोसीड कर सकते हो। दिस इज़ फॉर द मिडिल एज पीपल्स। आप इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है वो भी D7 रिटायरी पीपल्स, अगर आपके पास में पैसिव इनकम है, सफिशिएंट फाइनेंशियली वेल्थी हो, तो आप अपना D7 वीज़ा प्रोसीड कर। तो प्रोग्राम्स आर ओपन, तो आप सभी कंट्रीज़ के अंदर में प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हर एज के लिए अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन। क्या अब आपको इन्फॉर्मेशन उन चीज़ों के बारे में है, क्या आपने उन चीज़ों को स्टडी किया हुआ है, क्या आप एक किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ मिले हैं उन सब सब्जेक्ट्स को लेकर के? तो अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को मिले हैं और आप उन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे तमाम चैनल, जैसे आपका चैनल आप देख रहे हैं, ऐसे तमाम अच्छे चैनल्स भी हैं जो अच्छे एजुकेटेड लोगों को, अच्छे कंसल्टेंट लोगों को इनवाइट करते हैं और इन्फॉर्मेशन सप्लाइड करते हैं मार्केट में। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप इस तरह के मूवमेंट्स लेना चाहते हो, ओवरसीज़ में विद फैमिली रीसेटलमेंट होना चाहते हो, तो यू हैव सेवरल ऑप्शंस, बहुत से ऑप्शंस हैं। D7 है, D2 है, एंटरप्रेन्योरशिप वीज़ा है, स्टार्टअप वीज़ा है, इन्वेस्टमेंट वीज़ा है, गोल्डन वीज़ा। अब मैं कितने नाम बताऊँगा आपको, इतने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर में आप कहीं ना कहीं तो आपकी जो एलिजिबिलिटी बनती होगी। सो आप इस तरह से लीगल रूट अपनाएं, बाहर जाने के लिए बेहतरीन रूट अपनाएं और स्टेबल स्टीक रूट अपनाएं, जिससे कि आप और आपकी फैमिली आने वाले भविष्य में अच्छे, एक अच्छा फ्यूचर देखने के लिए आप निकले तो आपको अच्छा ही फ्यूचर मिले, ना कि आप किसी और अदर कॉम्प्लिकेशंस में, आप किसी और फाइनेंशियल लॉस में, आप किसी और स्ट्रेस में चले जाएं। सो बाहर इसलिए आते हैं कि आप पीसफुल लाइफ लें, इंजॉय करें, बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए, तो आप बेहतरीन रूट भी अपनाएं ताकि आपका जो भविष्य है, आपकी फैमिली का जो भविष्य है, सिक्योर एंड सेफ हो सके।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी सवाल थे, आपके मन में जितने भी डाउट्स थे, वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं या आप सर के साथ डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं सर का नंबर है जो वो सर, क्या आपके इजाज़त है मैं आपका नंबर दे सकता हूँ अपने ऑडियंस को या नहीं? क्योंकि ये आपकी विषय, आप डिसाइड करें। मुझे डायरेक्टली नंबर, वैसे हम लोग ज़्यादातर मैं डायरेक्टली नंबर अपना डिस्प्ले करता नहीं हूँ कहीं पे भी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो देर इज़ नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा, आप अगर अपना नंबर या आपका जो इंस्टाग्राम आई डी है वो मैं शेयर कर दूँगा। जी जी, ठीक है सर। तो अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो आप डायरेक्ट सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल आपने बताए, अगर हम उसमें डिटेल से बात करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो फिर हम किसी और दिन, सर आप प्लीज़ हमारे लिए टाइम निकालना ताकि हम और इन्फॉर्मेशन लोगों के तक पहुंचा सकें। तो थैंक यू, मैं आपका भी जाते जाते इस वीडियो के ज़रिए आपका भी धन्यवाद करूँगा और आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आप लोगों को बेहतरीन अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आते हैं, अवेयरनेस देते हैं ताकि लोग इंस्पायर हों और ऐसे ही आप लोगों को दिखाते रहें हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, और लोग जो अवेयर होते रहें आपके चैनल को देख के। और मैं ये भी कहूंगा कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमेशा ही बहुत अच्छी बातें करते हैं और अच्छे टॉपिक्स लेके आते हैं, घर में बैठे बैठे आपको वर्ल्ड दिखा देते हैं। तो आज ही इन्होंने हमारे साथ में टच की और हम भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को, ये हमें अपने चैनल पे लेके आए हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि क्योंकि इन्होंने अपना कीमती समय हमें निकाल के दिया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी, तो जो आपके और मेरे जरूर काम की है। अब इसको देख कर हम आपकी इन्फॉर्मेशन से हम इंस्पायर होंगे सर। बंदे जी जी, हिंदी बोलने हिंदी चटी अर्जन ने। चलो ठीक है जी सर। और ठीक है जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप सर के साथ जरूर डिस्कस करना। और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए हम आपसे लेते हैं विदा। बाय बाय बाय। ओके सर।